इस वक्त हमारे साथ वही खास टीम यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है। अमित हमारे साथ है, अर्शद हमारे साथ है, साथ में अदिति और सुभाष जी सारे साथ है। लेकिन सबसे पहले हम नजर डालेंगे फिल्म के प्रोमो पर। हम क्यों नहीं बन सकते गैंगस्टर? साले पिछवाड़े पे इतनी गोलियां पड़ेगी ना, रोटी भी पेट के बल लेट के खानी पड़ेगी। तुम दोनों के लिए मेरे पास एक काम है। हम लोग किडनैपिंग नहीं करते, समझा? कम से कम 10 करोड़ की फिरौती मिलेगी। देख गुड्डू, हम लोग किडनैपिंग नहीं करेंगे, समझा? सलमान पसंद है शाहरुख? इस लड़की के परिवार वालों से बड़ा पुराना रिश्ता है तुम्हारा। कोई मार दूंगा। कौन से परिवार से है? आप सब लोग आग की शामी। बिल्लू हाथ जोड़कर वचन देता है। आप सभी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हमें सबसे पहले सुभाष जी आपसे मैं बात करूंगी। जॉली एलएलबी बहुत अच्छी और बहुत धमाकेदार फिल्म थी, और उसके बाद अब जब इस फिल्म के प्रोमो हम देखते हैं तो एक और लगता है कि एक और धमाकेदार फिल्म जो है फिर आप बड़े पर्दे पर लाने वाले हैं। तो कितनी धमाकेदार होगी उसके कंपेरिजन में अगर हम करें, क्योंकि जॉली एलएलबी बहुत कॉमेडी के साथ एक सटायर भी था और अर्शद भी उसमें आपके साथ थे। बहुत शुक्रिया आपको प्रोमो देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत शुक्रिया अगर आपको प्रोमो देख के ऐसा लग रहा है कि धमाकेदार फिल्म होने वाली है। मैं समझता हूँ बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है। इन दो लोगों के बारे में, गुड्डू और रंगीला के बारे में, दोनों जैसा कि आप जानते हैं हरियाणा की पृष्ठभूमि पर फिल्म है। दोनों एक छोटी सी ऑर्केस्ट्रा पार्टी चलाते हैं हरियाणा में, और उनकी ज़िंदगी में कुछ होता है जिससे उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। तो उस तरह की एक फिल्म है, काफ़ी एंटरटेनिंग स्पेस में, काफ़ी कमर्शियल स्पेस में, और तो मुझे उम्मीद है फिल्म लोगों को पसंद आएगी। जैसे जॉली लोगों ने अप्रिशिएट की, उम्मीद करता हूँ कि ये फिल्म भी पसंद करेंगे। बिल्कुल अर्शद, आपसे की सुभाष जी के साथ आप पहले काम कर चुके हैं, बहुत बढ़िया काम था, लोगों ने बहुत सराहा, फैन फॉलोइंग आपकी और ज़्यादा बढ़ गई उससे। तो अब कितनी उम्मीदें रहती हैं इस तरीके से, जब एक बार आप साथ टीम में काम कर चुके होते हैं और दोबारा वो मौका मिलता है और पहले ही सक्सेस जो है वो इतनी चरम पे जब जाके उसका स्वाद चखते हैं, तो कितना दोबारा एक्सपेक्टेशंस और बढ़ते हैं? पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आपकी आपने जो तारीफ़ की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से हमारी मेहनत बढ़ जाती है और लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं, क्योंकि एक बार जब आप एक प्रोडक्ट सामने लाते हैं, एक फिल्म आप एक टीम लाती है और वो देखते हैं और मज़ा आता है उनको, एक उसके बाद अगली फिल्म से उम्मीदें बढ़ जाती हैं, उनको लगता है कि अब ये फिल्म और भी ज़्यादा ही होगी, और भी ज़्यादा ह्यूमर होगा या और मज़ा आएगा। कहीं पे बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एज अ डायरेक्टर सुभाष ने भी, उनको भी पता है कि एक फिल्म हमने साथ में की है और लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं, तो फिर अगली फिल्म पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत गहराई में और बहुत बारीकी से सोचना पड़ता है, और वही किया गया इस फिल्म के अंदर। इसको बहुत एंटरटेनिंग बनाया है और इसके अंदर एक गहराई की बात भी कही गई है, तो उस तरह की बातें हैं। तो टोटली अगर देखा जाए तो एक बहुत ही रियलिस्टिकली कमर्शियल फिल्म है। अमित, आपको हम बहुत अच्छे रोल्स में पहले भी देख चुके हैं, हम बढ़िया रोल किया है, तो लेकिन इस बार दो और ये बहुत ही दमदार हैं, अर्शद भी और सुभाष जी भी, उनके साथ काम करना इस बार किस तरह का लगा? आई थिंक मैं बहुत आभारी हूँ सुभाष सर का कि उन्होंने मुझे फिल्म दी और ऐसा किरदार दिया, और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि इस फिल्म में मैं अर्शद भाई के साथ हूँ। एंड ये बहुत फन फिल्म है और बहुत मस्ती है इस फिल्म में। एंड गुड्डू रंगीला का जो आप ये जो वर्ल्ड देखेंगे, ये दुनिया देखेंगे, मैं इस बात को ज़रूर कह सकता हूँ कि आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। चलिए, साथ में एक बहुत खूबसूरत चेहरा, प्यारा सा चेहरा हमारे साथ है दीदी, आपका फेस बहुत इनोसेंट सा लगता है, लेकिन साथ में फिल्म में इन दोनों का बदमाशों वाला किरदार, गुंडे बहुत लवेबल गुंडे, हाँ, तो किस तरीके से ये फिट बैठेगा उनके साथ? एक्चुअली घुमाती तो मैं इन दोनों गुंडों को हूँ, लेकिन सुभाष सर ने आई थिंक इसी वजह से मुझे चुना था, क्योंकि उनको चाहिए था कि बेबी बहुत इनोसेंट और वल्नरेबल लगे, और ये गुड्डू रंगीला सोचें कि इस बेबी को किडनैप करके इनकी लाइफ सेट हो जाएगी, पर एक्चुअली वो जब उनकी लाइफ में आती है तो उनकी लाइफ एकदम उथल पुथल उल्टी हो जाती है, और कहानी दिलचस्प है, बेबी का किरदार दिलचस्प है, वो बात नहीं करती, मिस्टीरियस है, फोकस्ड है, और जैसे फिल्म प्रोग्रेस होती है बेबी के कैरेक्टर का खुलासा होता है, तो एक बहुत अच्छा
पार्ट है बेबी का, और लड़कों के साथ बहुत उच्च मतलब भागना फिसलना ये सब, सो मजा आया एक्शन करके। वैसे सुभाषी मैं बताती हूँ कि ये गुड्डू रंगीला और बेबी बहुत कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा सा, बिल्कुल अलग अलग फ्लेवर का है, लेकिन हमारे साथ गुड्डू और रंगीला दोनों बैठे हैं, लेकिन आप तो बिल्कुल उसी गेटअप में लग रहे हैं। ये फिलहाल रंगीला नहीं नंगीला है। मैं पिक्चर में गुड्डू हूँ और मुझे रियल लाइफ में भी माफ है, ये तुम्हें सब माफ है, तुम गुड्डू हो। चलिए सुभाष जी से ही आपको एक वो मिल गया, लेकिन हम जब प्रोमोज देखते हैं तो हमें लगता है ये बदमाश भी हैं और साथ में लगता है इनका कोई ऑर्केस्ट्रा भी है, तो क्या किस तरीके का दोनों का किरदार है? ऑर्केस्ट्रा तो है इन लोगों का, वो इनका पेशा है, एक तरीके का पेशा है, एक फ्रंट है जो इन लोग करते हैं शादियों में और वीजा पार्टियों में, गाना वाना बजाते हैं, गाना गाते हैं, उसके अलावा इन लोग और भी कुछ करते हैं, जो आप फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा कि तो ये उतने सीधे नहीं हैं जितने ये लगते हैं। किरदार के हिसाब से देखा जाए तो नाम मेरा रंगीला है, लेकिन मैं थोड़ा सा ज़्यादा संजीदा हूँ और ये गुड्डू है और ये ज़्यादा रंगीला है। अमित आप बताइए किस तरीके। देखिए दो नटखड़ हैं, दो भाई हैं और बहुत शरारत है इनमें, बट एक इन आपस में बहुत लाड है, आपस में बहुत प्यार है इनके, और आप देखेंगे इनको कमीनापन करते हुए, इनको शरारत करते हुए, बट बहुत इंडेयरिंग है, आप इनकी आत्मा बहुत साफ है, इनकी आत्मा बहुत प्यारी है। सो एंड फिल्म के दौरान कहानी जैसे आगे बढ़ेगी, ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं इनके जीवन में जो इनको टेस्ट करती हैं, इनकी चतुराई को, इनकी प्रॉब्लम्स को, बट कहीं भी आपको मतलब ये बुरे इंसान नहीं, और हालात से जूझते हुए इन ये लोग लड़ते हैं और बुराई पर अपनी यू नो अच्छाई की जीत हमेशा होती है। चलिए यानी कि एक फन के साथ एक मैसेज भी है सुभाष जी आपसे। कहा जा रहा है कि ये फिल्म जो है मनोज बबली एक ऑन किलिंग का एक बहुत बड़ा मामला था उस पर भी बेस्ड है, तो क्या कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए फिल्म उस मनोज बबली केस पर फिल्म बेस्ड नहीं है, लेकिन जब मैं इस फिल्म को लिख रहा था तो मैं ज़रूर मैं ये ढूंढ रहा था कि इस फिल्म का वैचारिक पृष्ठभूमि जो है, बैकड्रॉप जो है, मैं किस चीज़ को बना सकता हूँ। फिल्म हरियाणा में बेस्ड है, फिल्म इन दो सिंगर्स, दोनों कज़न ब्रदर्स के बारे में, और मुझे वो एक आधार चाहिए था कि इसमें और क्या हो सकता है। और आप जानते हैं अगर आप हरियाणा में हैं तो एक चीज़ जिसको नज़रअंदाज हरियाणा में करना बहुत मुश्किल है वो है ऑनर किलिंग, वो है ये एक्स्ट्रा जुडिशियल खाप पंचायत जो वहाँ एग्जिस्ट करती हैं। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और मुझे अचानक ये बबली मनोज का केस समझ में आया, जो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा केस था, और जिस तरह से जो चीज़ें उस केस में हुई थी उससे मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग चौंक गए थे, बहुत हैरान थे, पार्लियामेंट तक में प्रश्न उठा था कि कोर्ट के ऑर्डर की सिक्योरिटी के बावजूद भी अगर उनको भरे गांव में हजारों सैकड़ों लोगों के सामने मार दिया जाए, तो मुझे लगा कि इस केस को मैं एक फिल्म के बैकड्रॉप में इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो वही मैंने किया है। लेकिन फिल्म जो है उस केस पर नहीं है, फिल्म तो इन दोनों लोगों की कहानी है, गुड्डू और रंगीला, उनकी मस्ती, उनकी ज़िंदगी की कहानी है, लेकिन जो बैकड्रॉप है, जो दुनिया आपको फिल्म के माध्यम से, इनके किरदारों के माध्यम से देखने को मिलती है, वो दुनिया में आपको कहीं वो मनोज बबली वाले केस के कुछ कुछ झलक आपको नजर आएगी, लेकिन फिल्म उस केस पर नहीं है। लेकिन सुना ये भी गया कि आपने इस केस पे कुछ ज़्यादा रिसर्च भी किया था, उसके बाद आइडिया ये लिया कि इस किस्से को जो है इसमें शामिल किया। जी जब मुझे इस केस के बारे में पता लगा, एक तो आप जानते हैं मैं आपकी तरह पहले पत्रकार था, तो यू कैन नॉट टेक आउट अ जर्नलिस्ट आउट ऑफ अ मैन, आई ऑलवेज बिलीव। तो जब मैंने केस को देखा था उसके बाद कुछ और डिटेल्स जानने के लिए मैंने कुछ संगठनों से बातचीत की, कुछ महिला संगठन है रोहतक में उनसे मैंने बातचीत की, कुछ पत्रकार मित्रों को फ़ोन किया और डिटेल्स जानने के लिए, ताकि मैं ठीक से जाँच परख के तय कर सकूँ इसका कौन सा हिस्सा मुझे फिल्म में इस्तेमाल करना है। तो वो उतनी रिसर्च तो सभी लोग करते हैं, तो मैंने भी की, लेकिन मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि फिल्म उन दोनों के केस पर नहीं है, फिल्म एक एंटरटेनिंग कहानी है इन दोनों के बारे में, वो केस बैकड्रॉप की तरह जरूर हमारी फिल्म है। लेकिन अर्शद क्या इसमें आप मनोज का किरदार निभाने और अदिति जो है वो बबली का किरदार निभाती हुई नजर आएंगे? नहीं ऐसा नहीं, जैसे सुभाष ने कहा कि उस पर बेस नहीं है, तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं मनोज का किरदार निभा रहा हूँ, मैं रंगीला का किरदार निभा रहा हूँ, और बबली जो है वो एक अलग है, श्री सौरा लड़की है, उसने किया है वो रोल।
अदिति, इस तरह की फिल्में जो सुभाष जी बनाते हैं बिल्कुल अलग लीक से हटकर होती हैं, उनमें एंटरटेनमेंट भी होता है, फन भी होता है, लेकिन एक मैसेज होता है, ठीक है, एक सटायर होता है। तो क्या लगता है इस फिल्म में जब आप एक किरदार निभा रही हैं, अरशद के साथ निभा रही हैं, तो एक सॉफ्ट लुक होने के नाते कितना एक फीमेल को एक कितना स्कोप मिलता है, कितना स्पेस मिलता है? एक्चुअली बहुत ज़्यादा, स्पेशली इस फिल्म में, क्योंकि बेबी एक तो जैसे मैंने बताया वो लगती है वल्नरेबल, लगती है चुपचाप और सहमी सी और इनोसेंट, बट वो है बहुत करेजस। और जैसे जैसे फिल्म प्रोग्रेस करती है आप देखेंगे कि उसमें एक फोकस है, शी इज़ डूइंग समथिंग टू प्रूव समथिंग, और उसमें एक दृढ़ नज़र आता है इन द कैरेक्टर। एंड ये जो ऑल्सो जो कॉन्टेंट है फिल्म का, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि खप पंचायत उस पर उसका एक बैकड्रॉप है, बट आई थिंक कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि लड़कियाँ आजकल एक प्रॉब्लम फेस करती हैं जहाँ वो अपनी चॉइस के मुताबिक कुछ कर नहीं सकती, उन देयर चॉइसेस आर मेड बाय अदर पीपल, और एक अपने आप में एक एक ये सिस्टम जो है जहाँ मेन फॉर्मर सोसाइटी एंड दे से कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप इनसे प्यार नहीं कर सकते, आप इनसे शादी नहीं कर सकते, तो ये फिल्म इसके बारे में भी बात करती है कि ऐसा क्यों है आज के ज़माने में, वी शुड हैव द चॉइस, वी शुड बी एबल टू मेक आवर ओन चॉइसेस। तो ये एक लड़कियों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है और प्यार करने वाले लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस फिल्म में। चलिए, हालांकि जॉली एल एल बी में भी हमें प्यार का वो एंगल काफ़ी अच्छा सा दिखाई दिया था, किस तरह से मिक्स होता है, लेकिन अर्शद एक हम देख सकते हैं कि इंटरव्यू के दौरान जो विंडो में एक और गाना चल रहा है, बहुत कंट्रोवर्शियल गाना हो गया है, वो माता का ईमेल आया है, तो क्या पहले अगर मैं आप लोगों से गुजारिश करूँ कि दो लाइनें अगर उसकी सुना दें, अगर कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो? पता नहीं आपको पता है कि नहीं, बिल्कुल मैं सुभाष जी के अच्छा फिल्म में सुन ले तो ज्यादा अच्छा है, फिल्म में भी थोड़ा हम लोग शायद आपको मिलेगा, उनको एक अपना मजा फिल्म में उतना ग्लिम्स मिलेगी उनकी आवाज की। चलिए मैं तो आप तीनों से ही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर अदिति अदिति अब माता का ही मेल बिचारी हारमोनियम लाइए जरा, हम शो समय के जो दर्शक हैं वो सुनना चाहते हैं। कैन वी ऑल सिंग माता? आई कैन सिंग सुई, आई कांट सिंग माता, सॉरी डॉग। I think we should not sing. Yeah. I think leave it to the film. I said, "Can not." चलिए, हम सोच रहे थे कि थोड़ा ऑर्केस्ट्रा का जो रूप है वो यहाँ पर हमें दिखा दे ये टीम, लेकिन अभी शायद नहीं करना चाहते, लेकिन हम फिल्में ज़रूर देखेंगे और बाद में मैं अभी इंटरव्यू के बाद भी आपके साथ बैठ के जरूर गाऊंगी। वो माता ने मुझको फेसबुक पे बुलाया है, कल रात माता का मुझे ईमेल आया है, चैटिंग सेटिंग करेंगे, माता से फोटो शेयर करेंगे, प्रोफाइल पिक्चर में माता ने शेर लगाया है, कल रात माता का मुझे हार्डली मैटर जी, उल्टा मार। नहीं भाई साहब, क्या बात कर रहा हूँ मैं, अरे मार मार मारेगा के गोली मारू तन्ने। www हो www mata.com माता की वेबसाइट है, www हो एंटीवायरस लगाया है, कल रात माता का मुझे ईमेल आया है, माता ने मुझको फेसबुक पे बुलाया है, कल रात माता का मुझे ईमेल आया है, कल रात माता का मुझे ईमेल आया है। तो हमारे साथ बैठी है गुड्डू रंगीला की खास टीम, सुभाष जी, अदिति, अरशद और अमित, और बहुत ही अच्छा डिस्कशन चल रहा है। सुभाष जी, माता की का ईमेल को लेकर के बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई है, हमने सुना आपको बहुत धमकियां भी मिली हैं उस पर। नहीं, कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है मुझे तो बहुत हैरानी है इस बारे में। ज़रूर कुछ लोगों को एतराज़ है, उनको ऐसा लगता है कि उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँच रही, और ऐसी धार्मिक भावनाएँ
तो पता नहीं कितनी कमज़ोर हैं कि गाने से, मामूली से गाने से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। लेकिन ज़रूर ये बात सच है कि कुछ मेल्स आ रहे हैं, कुछ टेलीफोन्स आ रहे हैं, कुछ पंजाब में कुछ जुलूस निकाल के पुतले उतले जलाए गए हमारे। मैं बड़ा स्तब्ध हूँ जिसे हिंदी में कहते हैं, बहुत हैरान हूँ, बिकॉज मेरी फिल्म रिलीजन पर नहीं है, रिलीजन से जुड़े किसी भी आस्पेक्ट पर नहीं है। मेरी फिल्म दो ऑर्केस्ट्रा सिंगर्स के बारे में है, एंटरटेनिंग फिल्म है, फिल्म में एक मैसेज है। और ये एक गाना गाते हैं और किसी भी फंक्शन में अपना कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक भक्ति गीत गाते हैं, और वो भक्ति गीत जो है माता का ईमेल है। अब माता और भक्ति गीतों और हिंदी फिल्म के संगीत का क्या रिश्ता है तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। हिंदी सिनेमा का हर बड़ा हिट गाना जो है वो आप उस पर एक भक्ति गीत देख सकते हैं, माता का गाना देख सकते हैं, यहाँ तक कि चोली के पीछे क्या का भी मैंने सुना है, माता के मन में क्या है। तो उस सब के बावजूद इतनी कॉन्ट्रोवर्सी है, इतना एतराफ़ करना लोगों का बिना फिल्म देखे और जिस परिप्रेक्ष्य में, जिस कॉन्टेक्स्ट में ये गाना फिल्म में आता है, बिना उसको जाने, बिना उसको देखे समझे लोग एतराफ़ कर रहे हैं, तो मैं यही कह सकता हूँ कि भाई वेट कर लो, और चार दिन की बात है फिल्म आ जाएगी, देख लेना, फिर मंडे को हल्ला मचा देना, पसंद नहीं आएगी तो, है ना। लेकिन मैं इतना ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि मैं अपने बचपन में, मेरे घर में, मेरी पैदाइश परवरिश दिल्ली शहर की है, और दिल्ली में आप जानते हैं माता की चौकी, और उससे बचपना बहुत मुश्किल है, आप चाहें भी तो भी नहीं मुश्किल हो सकता है। तो मेरी माँ जो है घर में एक ऑडियो कैफेट पे गाना प्ले किया करती थी जो नरेंद्र चंचल साहब का था, और नरेंद्र चंचल साहब जो है वो टॉम क्रूज है माता सिंगर्स के, है ना। उनका एक गीत था, उसमें माता उनको टेलीफोन करती है मंदिर से, वो फ़ोन उठाते हैं और वो कहते हैं हेलो कौन, मेरी माँ, फिर कहते हैं मंदिरों से माँ का टेलीफोन आया है और माँ ने मुझे मंदिर में बुलाया। अब ये उन दिनों की बात है जब लैंडलाइन हुआ करती थी। तो जो भी इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज हैं, जिस भी दुनिया में हम और आप, जिस समाज में हम और आप रहते हैं, वहाँ से कुछ सिम्बॉलिकली चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं। तो लैंडलाइन के दिनों में अगर माता फ़ोन कर सकती हैं तो इसमें बिल्कुल कुछ भी स्वाभाविक नहीं है कि आज की सोशल मीडिया के दौर में माता आपको ईमेल ना कर पाए। बिल्कुल अर्शद, मैं यही पूछना चाह रही थी कि जैसे सुभाष जी ने ऐसे कहा कि जब जागरण होता है इस तरह की और भेंटें गाई जाती हैं तो हम अक्सर ये सुनते हैं कि उन भेंटों में जो है जो नई टेक्नोलॉजी है उसको या बॉलीवुड के सॉन्ग्स जो हैं उनकी तर्ज पर वो बना दे दिया जाता है, तो उसके बावजूद इस तरह का विवाद उठना कितना जायज़ है? जबकि क्या लगता है कि ये कुछ लोग अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए करते हैं या जानबूझ के प्रेशर डालने के लिए करते हैं? मेरे हिसाब से तो वही है अक्सर, और कोई रीज़न तो होता नहीं है। किसी एक पार्टी को या किसी एक संगठन को अगर थोड़ा सा नाम कमाना है, थोड़ा न्यूज़ या मीडिया में आना है, तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वैसे ही फिल्म वाले एक सॉफ्ट टारगेट होते हैं। तो कोई भी एक मुद्दा उठा लीजिए और आप उस पर शोर शराबा कीजिए, न्यूज़ कवरेज मिल जाता है, लोग आपकी बात सुनते हैं, आज हम उनके बारे में बातें कर रहे हैं, तो इस तरह की चीजें, आई थिंक, और देयर इज नो अदर रीजन। लेकिन अमित, आपको क्या लगता है फिल्म रिलीज के बाद जब कभी कहीं जागरण होगा तो माता की ये भेंट भी बजाई जाएगी, चाहे विवाद हो रहा हो या नहीं? आई थिंक बहुत मजा आएगा अगर इस, आई थिंक हमारे जो डायरेक्टर हैं, जब भी उन्होंने गाना कंपोज किया, लिखा, पूरे हिंदुस्तान ने इसको बहुत प्यार दिया। मेरे जितने दोस्त हैं दिल्ली के, लखनऊ के, सब फोन करके गाना गा रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनको ठेस पहुंची है, और मुझे इस बात का पूरा यकीन है, मैंने पिक्चर देखी है, कि जब पिक्चर ये रिलीज होगी और मैं आशा करता हूँ कि उनको भी पसंद आएगा, वो भी समझेंगे कि किस तरह यूज़ किया गया है। एंड और खुशी इस बात की होगी कि उसके बाद अगर जागरण में गाना बजेगा तो बहुत मजा आएगा। तो मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी कि जब पार्टी, जब फिल्म हिट हो जाएगी और उसकी पार्टी सक्सेस पार्टी होगी, तो क्या शुरुआत इस भेंट से आप करना चाहेंगे उस सक्सेस पार्टी की, या कभी बैठ करके गाएंगे माँ के सामने भी? नहीं नहीं, जरूर, क्यों नहीं। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, इस गाने के जो सिंगर हैं उनका नाम है गजेंद्र फोगाट, वो एक फोक सिंगर है हरियाणा के रोहतक के रहने वाले, और वो अलग अलग कार्यक्रम करते हैं गांव-गांव में घूम के। मुझे उनका परसों फ़ोन आया कि इस साल नवरात्रि में वो एक रात तीन तीन शोज कर रहे हैं, और हर शो में पहला गाना गाने की डिमांड है वो माता का ईमेल गाने की। चलिए, इसके लिए आपको बधाई होगी, तो बहुत बड़ी बात है कि जिस गाने को लेकर के विवाद चल रहा है और उसी गाने पर जब को कह रहे हैं कोई फोक सिंगर कि हम जागरण कर रहे हैं और उस भेंट की शुरुआत जो है उसी से करेंगे, ये दिखाता है कि विवाद चाहिए है लेकिन पॉपुलर भी गाना हो गया। लेकिन आपने एक फोक सिंगर की बात कही, उसी से मुझे ये याद आया कि गुड्डू रंगीला भी एक सिंगर हैं जो फोक सिंगर हैं, तो क्या उन्हीं की उस पर नाम को लेकर के आपने ये फिल्म का नाम जो टाइटल दिया है वही है? नहीं, तो उनका इस कॉन्स्पिरेसी में कोई योगदान नहीं है। ये जो साजिश हमने बनाई है गुड्डू रंगीला नाम की, इसमें जो गुड्डू रंगीला नाम के भोजपुरी सिंगर हैं उनका कोई योगदान नहीं है। ज़रूर मैं इतना कहूँगा कि मैं उनके बारे में जानता हूँ कि वो एक सिंगर हैं जो भोजपुरी गाने गाते हैं, और
उनके गाने सुन के भी बहुत लोगों की भावनाएं आहत होनी चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं होती, लेकिन बहरहाल वो गाते हैं। तो मुझे उनका नाम जो है मुझे बहुत अच्छा लगा, गुड्डू रंगीला। मुझे लगा ये दो किरदार साउंड करने बड़ा अच्छा लगता है, तो सिर्फ उतना सा है, उससे ज़्यादा कोई इंस्पिरेशन मैंने उनसे नहीं लिया। चलिए, तो यानी कि मैं कहूँगी कि जो मैंने तुक्का मारा था टाइटल उसी से बिल्कुल मिलता जुलता है, बहुत बहुत कैची टाइटल है ये, और उस हिसाब से किरदार भी दोनों दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अर्शद, यहाँ पर यही एक बात उठती है कि जब इस तरह के किरदार और इतने चटपटे नाम से होते हैं, इस तरीके का नाम होता है, इतना फेमस नाम होता है, तो और फिल्म में एक मैसेज भी होता है, तो उस किरदार को निभाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है कि उसमें फ़न भी आए और मैसेज भी चला जाए? आई थिंक हर किरदार करने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, चाहे हर फिल्म के अंदर होता है, हर फिल्म के अंदर एक किस्म का होमवर्क होता है, और आप उस कैरेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं, आप डायरेक्टर के साथ बैठ के उस कैरेक्टर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा होता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे जहाँ तक अमित और मेरा मेरी बात करें तो वो थोड़ा सा हरियाणवी डायलेक्ट के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ी, तो ज़्यादातर हमने सब सुभाष ले लिया था, क्या करना है क्या नहीं करना है। आमतौर पर जहाँ तक मैं करता हूँ, मैं सिर्फ अपने राइटर अपने डायरेक्टर से पूछ लेता हूँ क्या चाहते हैं आप, किस तरह आप चाहते हैं कि हम आपका वो किरदार निभाएं, और उनकी बात सुन के वो अपने आप वो कैरेक्टर बनने लगता है, तो वही है बस। हाँ, मेहनत तो होती है ज़रूर। चलिए, बातों का ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और इस वक्त समय के स्टूडियो में हैं गुड्डू रंगीला और साथ में सुभाष जी और अदिति। अदिति, सबसे पहले तो क्योंकि मैं चाहूँगी कि गाने में इसमें वो मोहब्बत का एंगल भी है, प्यार का एंगल भी है इस फिल्म में, तो इसमें आपका और अर्शद का एक रोमांटिक गाना भी है। एक्चुअली अदिति और अमित का, अमित साथ में, अमित का तो, और आपकी आवाज़ भी बहुत सुरीली है, आपका फेस जितना प्यारा है उसके, तो मैं चाहूँगी थोड़ी सी पक्का आपको पता है ना, ऐसे नहीं कि सब भाग जाएंगे यहाँ से। अच्छा, तो मैं सुइयां थोड़ा सा गाऊंगी आपके लिए। दिल मर्त जात है, बदमाश बात है, सोचो क्या सोचू मैं, सर्दी की रात है एक आग साथ है, सोचो क्या सोचू मैं। बहुत खूब, बहुत खूब, मैंने सही कहा था, यानी कि मैंने सही कहा था कि अच्छे चेहरे के साथ आपका आवाज़ भी बहुत अच्छी है, प्यारी है, लेकिन कैसे, मतलब कि गुड्डू के साथ किस तरीके का से रोमांस, कितना आसान और कितना? गुड्डू मुझे पटाने की कोशिश करते रहता है, उतारी उल्टी कोप टोपी पहनी सब कुछ कर लिया, और बेबी क्या करती है, डैगर आईज। लेकिन चलो, इनका रोमांस किस तरीके से फिल्म में चल रहा होगा ये इस वक्त हम देख सकते हैं, कि हमारे स्टूडियो में भी चल रहा है, तो किस तरीके से चल रहा होगा ये, दो प्यार करने वाले को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। स्टूडियो में कहीं भी जाएंगे आप, तब भी नहीं रोक सकता, हम ये कहते हैं। लेकिन साथ ही में अगर आपकी बात करें तो ये तो प्यार में लगे हुए हैं, तो लेकिन क्या क्या करेंगे, आपको कहीं ज्वेलसी होती है या आप मिशन पे लगे हुए हैं किस तरीके से? नहीं नहीं, मेरा एक्चुअली बड़ी, मुझे बड़ी खुशी होती है कि मुझे जब थोड़े से सीरियस कैरेक्टर्स मिलते करने को, क्योंकि अक्सर मैं मस्ती करते रहता हूँ, कॉमेडी करते रहता हूँ, तो मेरे ख्याल से सुभाष एक है जो मुझे इस तरह के रोल देता है जो जो मतलब मेरी इमेज से थोड़े परे है, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है, सीरियस कैरेक्टर, एक हिस्ट्री है इसकी, एक कहानी है इसके, इसकी ज़िंदगी के पीछे एक हादसा है, और वो हादसे की वजह से उसका वो थोड़ा सा इश्क रोमांस और ज़िंदगी उससे थोड़ा सा क्या कहते हैं दूर है। सुभाष जी, जब इस तरह की कुछ फिल्में बनती हैं तो उसमें बहुत सारी गाली गलोच भी होती है, और उस पर सेंसर की कैंच ही एकदम चल जाती है, तो इसमें इस बार क्या आपने कुछ ध्यान रखा है इन चीज़ों का, और किस तरीके से सेंसर ने? नहीं, देखिए, जब से सेंसर बोर्ड में तब्दीलियाँ हुई हैं तब से मैं समझता हूँ वो रोज़ अपनी कैंची की धार जो और पे नहीं करते हैं, दो चार घंटे वही काम होता है उसमें, और मैं समझता हूँ बड़ी अफसोसनाक बात है, मैं समझता हूँ कि फिल्म मेकर्स को कुछ लिबर्टी मिलनी चाहिए, चीज़ों को उनके कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए,
और दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम एक लंबी लिफ्ट कुछ शब्दों की निकाल के उनको बैन करने की कोशिश कर रहे हैं वगैरह वगैरह, मैं समझता हूँ अनएक्सेप्टेबल है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री इस एक इशू पर इकट्ठी है। लेकिन जहाँ तक गुड्डू रंगीला का ताल्लुक है, ज़रूर कुछ दो चार शब्दों पर सेंसर बोर्ड को एतराज़ था और मुझे फिर डायरेक्टर से ये तय करना था कि इन शब्दों को हटाने से या निकालने से मेरे सीन पर या मेरी फिल्म पर या मेरे डायलॉग पर या जो बात मैं कहना चाहता हूँ उस पर कोई असर तो नहीं पड़ता है। लेकिन जब मुझे लगा कि नहीं, मुझ पर मेरी फिल्म पर कोई ज़्यादा खास असर नहीं पड़ रहा है, तो मैंने उनकी बात को माना। कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिन पर मुझे लगा असर पड़ेगा, तो मैंने आर्ग्यू किया, उनसे बातचीत की, बट फाइनली सेंसर बोर्ड ने हमें सर्टिफिकेट दिया और जो भी जिस फिल्म जिस तरह से सेंसर हुई है मैं उससे काफ़ी संतुष्ट हूँ। लेकिन ये भी सुना गया कि जो कुछ ऐसी गालियाँ थी जो फिल्म में थोड़ा सा बीप जिन पे करना पड़ता अगर वैसे आती तो उनका भी आपने बदल के उनको दूसरा कन्वर्ट करके थोड़ी जो कि हम पर्दे पे दिखा सके वैसी जी, गाली, जी, वो जी, ऐसा भी कुछ है जी जी। जैसे एक शब्द है उसका ओरिजिनल मैं डुप्लीकेट बोलूँगा तो ओरिजिनल आप समझ जाइएगा, घटिया, तो बहुत घटिया इंसान है, तो उसका ओरिजिनल कुछ और था तो घटिया, तो मुझे उससे ज़्यादा एतराज नहीं था। कुछ एक चीज़ें थी जैसे एक जगह रोनित जो हैं फिल्म में वो कहते हैं कि एक पंचायत में भाषण देते हैं कि एक निचले समाज के लड़के के साथ भागकर हमारे माथे पर कलंक लगा दिया था, तो उस पर निचले समाज को लेके कुछ उनको ऑब्जेक्शन था जो मेरी समझ से बाहर था, बिकॉज मैं तो अक्सर भारत सरकार के मंत्रियों को बोलते हुए सुनता हूँ तो इन शब्दों को और इन सेंटेंसेस को अक्सर उनके मुँह से सुना करता हूँ, तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई। लेकिन उस पर उनका तर्क था कि कुछ दूसरे संगठनों के लोगों को एतराज़ हो सकता है, तो वो निचले समाज को दूसरा समाज किया। लेकिन जहाँ भी मुझे लगा कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा तो वहाँ हमने सेंसर की बात मानी, अपना विरोध ज़रूर दर्ज कराया, लेकिन जहाँ लगा कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है तो वहाँ हमने आर्ग्यू भी किया। अंततः फाइनली जो फिल्म जैसी मैंने बनाई थी मैं वैसे ही लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, मैंने समझता हूँ मुझे कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है सेंसर की वजह से। अर्शद, ये अभी जैसा कि सुभाष जी ने बोला है कि कुछ हमने कुछ ऐसी गालियाँ होती हैं या कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम नहीं दिखा पाते और सेंसर की उस पर कैची चल जाती है तो एक फिल्म जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाती है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने इस बार एक्सपेरिमेंट किया तो क्या लगता है कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट आगे अगर हम करते रहेंगे तो फिल्म का जो मेन मकसद है या उस डायलॉग का जो है वो बचा रहेगा और आगे स्कोप भी है इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स के? नहीं, जैसे सुभाष कह रहे थे ना कि हर डायलॉग हर सीन उसको उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, और ये बहुत अजीब होता है कि आप एक शब्द को उठाएं और उसको बस यूं ही निकाल दें। एक एक्सप्रेशन होता है फिल्म आप बनाते हैं और उसमें वो लिबर्टी मिलनी ही चाहिए एक राइटर को डायरेक्टर को कि दिखा सके। ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि जो रियल लाइफ रियल इंसिडेंट है जो दुनिया हमारे आसपास जो है हम उसी को पोर्ट्रे करें, और वो दुनिया जो है वो हम जो फिल्म में दिखाएं उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है भयानक है और उसकी ज़बान कहीं ज़्यादा गंदी है, और हम तो वो इस्तेमाल नहीं करते। हम तो बहुत ही ऊपरे एक अंदाज़ा लोगों को देते हैं कि इस तरह की बोली बोली जाती है। अगर आप उस अंदाजे को भी निकाल देंगे तो हम कैसे दिखाएं कि हम क्या दिखाना चाहते हैं? बड़ा मुश्किल हो जाएगा कोई भी सीन को किसी भी चीज़ को पोर्ट्रे करना या उसकी सही मायने को सामने पेश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए, लेकिन अर्शद आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि जॉली एलएलबी जो है बहुत अच्छे आप किरदार में नजर आए थे, कॉमेडी भी आपने की थी लेकिन साथ में एक अपने किरदार में खड़े हुए अलग से मैसेज देते हुए लड़ते हुए फाइट करते हुए भी नज़र आए थे, लेकिन ये किरदार आप बताने हैं थोड़ा सा अलग है, तो इसमें हमें कॉमेडी करते हुए अर्शद दिखेंगे या नहीं दिखेंगे क्योंकि हम उसके भी दीवाने हैं? नहीं नहीं, वो है ये एक्चुअली ये सुभाष की लिखावट बहुत अच्छी है। क्या है कि कई सीरियस बातें हैं, भले से इसकी ज़िंदगी इसका जो क्या कहें सबकॉन्शियस में, और वो एक इतनी गहरी बातें हैं, कुछ ऐसी ऐसी बातें जो ये भूल नहीं पाता, एक मिशन है इसका पर्सनल जो चल रहा है, लेकिन उसके अलावा जो हालात है और उस हालात में और उस समय जिस तरह की बातें होती हैं वो बातें मज़ेदार हैं, वो बातें मज़ा है। उस माहौल से निकलने के लिए वो जो बातें करता है जो हरकतें करता है वो देखने में मज़ा आता है, वो डायलॉग सुनने में मज़ा आता है। साथ ही में क्योंकि एक ऐसी फिल्म है तो उसमें कितना हमें ऐसी इस तरीके के सीन दिखाई देंगे कि गैंगस्टर की लड़ाई या फिर मार धाड़ के इस तरीके के सीनों की क्या ज़्यादा भरमार होगी या उसमें ज़्यादा मस्ती और फन ज़्यादा दिखाई देगा रंगीलापन फिल्म में? गुड्डू में नहीं, मैं नहीं कहता कि इसमें ज़्यादा मारामारी है, नहीं, ये एक परसेप्शन है, ऐसा लगता है क्योंकि कुछ जो एक आध सीक्वेंस दिखाए गए हैं वो इतने प्रोफाउंड है इतने इम्पैक्टफुल हैं कि ऐसा लगता है कि बहुत मारामारी है,
नहीं ऐसा नहीं है, बहुत कम एक्शन है फिल्म के अंदर, जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे है, बाकी टाइम पे इट इज़ बेसिकली सीरियस स्टोरी लाइन लेस्ड विथ ह्यूमर, लेस्ड विथ फन, लेस्ड विथ वन लाइनर्स, रोमांस सॉन्ग्स, उस तरह की चीज़ें, इट्स अ फुल पैकेज, जैसे मेरे हिसाब से एक बहुत ही एंटरटेनिंग कमर्शियल फिल्म है। सुभाषी, जॉली एलएलबी को नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, तो क्या लगता है इस फिल्म से कितनी एक्सपेक्टेशन है, क्या कुछ इस तरह के अवार्ड ये भी लेकर के जाएगी फिल्म, क्योंकि आपकी फिल्म बिल्कुल एक अलग होती है, एक सटायर होती है, साथ में फन होता है, ह्यूमर होता है, तो क्या लगता है इससे भी बहुत ज़्यादा इसी तरह की एक्सपेक्टेशन? नहीं जी, मेरे ख्याल से जब आप फिल्म बनाते हैं तो आप ये तमाम चीज़ें नहीं सोचते हैं। ज़रूर हमने उम्मीद नहीं की थी जॉली एलएलबी को इस तरह से इज्जत मिलेगी और दो नेशनल अवार्ड मिलेंगे, तो जब मिले तो बहुत खुशी हुई और इस बात का एहसास हुआ कि अगली बार जब काम करोगे तो लोगों की उम्मीदें और उनकी ख्वाहिशें आपसे ज़्यादा होंगी, तो वो आपको और इंस्पायर करता है ज़्यादा काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए। इस फिल्म से तवक्कोआत उम्मीदें यही हैं कि ये फिल्म लोगों को पसंद आए, इन दोनों जो मस्ती फिल्म में की है वो लोगों को अच्छी लगे, आदिति ने जो इनका जीना आराम किया उसमें लोगों को और आनंद आए, और फिल्म जो एक मैसेज देती है वो थोड़ा सा अपने जहन में कहीं आप सोचते हुए उसके बारे में बात करते हुए सिनेमा से निकलें, तो मैं समझता हूँ हम गंगा नहा लेंगे, हमें उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। उसके ऊपर बाद में कुछ लोगों को पसंद आए, कुछ अवार्ड मिलने होंगे, तो वो अल्लाह देने वाला है, जब देगा देखेंगे। मैं चाहूँगी अदिति और अमित दोनों की आपके किस तरीके के डायलॉग है, एक बारी वो डायलॉग्स हम आपसे सुनना चाहेंगे। वो यहाँ पे आई डोंट थिंक, एक तो मेरे हैं नहीं, एक तो डायलॉग नहीं है क्योंकि अदिति जो है वो फिल्म में बोलती नहीं है और उनके किरदार चलिए तो मैं ये दरख्वास्त जो है अमित और जो है अर्शद से करूंगी कि आप अपने डायलॉग को जो है हमारे फैंस को बोल के दिखाएं, हालांकि हम प्रोमो में काफी देख चुके हैं। मुझे एक डायलॉग बड़ा बहुत पसंद है जो प्रोमो में भी आता है कि हम लोग फंसे हुए हैं और मैं कहता हूँ कि ये चीपड़ आइडिया जो है इसका था, मार जा, गोली मारना तो मार लूं लेकिन मैं पहले मैं खाना खा के मरूंगा। तो उस तरह का वो जो एक थॉट है उस सीन उस डायलॉग में, वो मुझे बहुत पसंद है। चलिए तो ये हमारे साथ स्टूडियो में थी बहुत ही खास टीम गुड्डू रंगीला की और साथ में सुभाष कपूर, जो जॉली एलएलबी के लिए पहले ही काफ़ी तारीफ़ें बटोर चुके हैं, अर्शद वारसी भी उन्हीं के साथ रहे हैं और दो लोग और उनके साथ इस फिल्म में जुड़ गए हैं, गुड्डू रंगीला। 3 जुलाई को फिल्म प्रदर्शित होगी सिनेमा घरों में। फिलहाल वक्त है ब्रेक का।